सो हम इस विषय पर शिक्षा पा रहे हैं पिछले बहुत हफ्तों से। ये जो विषय है ये है कि शत्रु मतलब शैतान पर हम कैसे विजय पा सकते हैं, कैसे काबू पाएं, कैसे विजय पाएं। मैंने आप सबको बताया था कि हमारा कोई भी मनुष्य हमारा दुश्मन नहीं हो सकता, कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य हमारा दुश्मन, बोलिए, हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। इसीलिए प्रभु ने कहा कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो। तो धरती पर रहने वाला कोई भी ऐसा आदमी, कोई भी ऐसा पुरुष, कोई भी ऐसी स्त्री, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको हम अपना दुश्मन कह सकें। हो सकता है लोग हमें दुश्मन समझें, लोग हमें दुश्मन की तरह व्यवहार करें, पर हम किसी को दुश्मन नहीं समझ सकते। पर एक दुश्मन है हमारा, एक शत्रु है हमारा, जिसको प्रभु ने भी शत्रु कहा, क्योंकि वो प्रभु का भी शत्रु है, और वो है शैतान। शैतान को छोड़कर के कोई और हमारा दुश्मन नहीं है, और इस दुश्मन पर हमने विजय पानी है, इस दुश्मन पर हमने काबू पाना है, क्योंकि ये दुश्मन जो है ये हमारे जीवनों को बर्बाद करने में लगा हुआ है। ये मसीही लोग उन्नति ना कर जाएं, मसीही लोग कहीं प्रभु के करीब ना चले जाएं, मसीही लोग कहीं प्रभु को और ज्यादा जान ना लें, यही उसका लक्ष्य है कि वो हमें प्रभु के पास जाने से रोकता है। यही उसका लक्ष्य है, हम प्रभु के पास ना जाएं, हम उसको ना जाने, और इसलिए वो हमारे जीवन में रुकावट पैदा करता है, हमारे जीवन में बाधाएं लेके आता है, हमें पाप की ओर धकेलता है, पाप की ओर हमारा मन आकर्षित करता है, हमारे मन को खींचता है, हमारे सामने लुभाने वाली बातों को डाल देता है, जैसे उसने प्रभु के साथ किया था। शैतान ने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा था, शैतान ने यीशु मसीह को भी लुभाने की कोशिश की थी, तू मुझे प्रणाम कर, मुझे नमस्कार कर, देख मैं सारा जगत तेरे को दे दूंगा, ये सारी धरती मैं तेरे को दे दूंगा। क्योंकि इस समय पाप के कारण ये सारी धरती किसके कब्जे में है? शैतान के कब्जे में है। दुनिया किसके चलाए चल रही है? शैतान के चलाए चल रही है। हर एक बुरी चीज के पीछे कौन है? शैतान है। इसलिए शैतान यही चाहता है कि हम लोग जो प्रभु को जान चुके हैं, हम लोग जो यीशु मसीह को पहचान चुके हैं, हम उसके करीब कहीं पहुंच ना जाएं। इसलिए मसीही जीवन एक जीवन भर का युद्ध है, मसीही जीवन एक जीवन भर की लड़ाई है, जिस लड़ाई में हमको रोज रोज भाग लेना है, क्योंकि शैतान एक भी दिन नहीं छोड़ता है जब वो हमारे जीवनों पर वार करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम कमजोर हो जाएं। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि वो जानता है अगर हम प्रभु के करीब जाते गए हमारे जीवन में बहुत सा फल आएगा जिससे प्रभु की महिमा होगी। वो नहीं चाहता कि हमारे जीवन में फल हो, वो नहीं चाहता कि हमारे जीवन में प्रभु की शक्ति काम करे, वो नहीं चाहता कि हमारे जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम हो, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, वो नहीं चाहता कि हम उसके राज्य के सेवक बन जाएं, वो नहीं चाहता कि हम उसके राज्य के दास बन जाएं, वो नहीं चाहता। इसलिए वो खींचता है, वापस खींचता है, पीछे खींचता है हमें, और हमें चर्च आने से रोकता है, बाइबल पढ़ने से रोकता है, प्रार्थना करने से रोकता है, संगति करने से रोकता है, कलीसिया में दोस्तियां तोड़ने की कोशिश करता है, लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है। ये काम है उसका, और क्या काम है? हमारे सामने पाप को फेंकता है। जिस प्रकार हम घर में चूहा पकड़ने के लिए हम वो रोटी डालते हैं, उस प्रकार वो हमारे सामने लुभाने वाली चीजें फेंकता है, और वो हमें गंदगी में, पाप में धकेलना चाहता है। पुराने जीवन को बार बार हमें याद दिलाता है, पुरानी आदतों में हमें दोबारा फंसाने की कोशिश करता है। शैतान बहुत बहुत चालाक है। मैंने आपसे बताया था कि शैतान, वचन में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि वो फाड़ खाने वाले सिंह, फाड़ खाने वाले शेर के समान वो हमारे पीछे लगा हुआ है। बाइबल ये भी कहती कि देखो पाप दरवाजे पर दुबका बैठा है, मतलब हमारे दिल के दरवाजे पर पाप दुबका बैठा है, वो तुम्हें हासिल करना चाहता है, परंतु तुम्हें उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। यू मस्ट मास्टर इट, तुम्हें उसका मास्टर बनना है। इसलिए ढीला ढाला जीवन परमेश्वर के योग्य नहीं है। ढीला ढाला मसीही जीवन, हल्का फुल्का मसीही जीवन, कभी ऊपर तो कभी नीचे मसीही जीवन, इस प्रकार का जीवन प्रभु के लायक नहीं है। हम प्रभु हमें इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है। शैतान यही चाहता है हम प्रभु से दूर रहें, सिंपल। और इसीलिए हमने आपको पिछले 3 हफ्तों में बहुत सी बातें सिखाई हैं, और जो पहली बात हमने आपको सिखाई वो ये है कि हमें शैतान के विरुद्ध चौकस रहना है, गार्डिंग अगेंस्ट द डेविल। हमें शैतान के विरुद्ध चौकस क्यों रहना है? क्योंकि वो है तो गरजने वाला शेर,
पर प्रकट किस रूप में होता है? ज्योति के फरिश्ते के रूप में होता है। इसलिए सावधान रहना है। व्हाई डू वी नीड टू गार्ड? हमें क्यों चौकस रहना है, हमें क्यों गार्ड करना है, क्यों चौकस रहना है? क्योंकि वो एक गरजने वाला सिंह तो है, पर ज्योतिर्मय स्वर्ग दूत के रूप में आता है ताकि हमको पता ना चले और हम शैतान का हमें शैतान के विरुद्ध हमें इसलिए चौकस रहना है क्योंकि वो लगातार सही समय का इंतजार करता है, जैसे उसने यीशु मसीह के साथ किया है। लिखा हुआ है शैतान यीशु मसीह के सामने आया, यीशु ने शैतान का सामना किया, फिर लिखा हुआ है शैतान कुछ समय के लिए वहां से चला गया। क्यों? मतलब वापस आना चाहता है। आपकी जिंदगी में जब शैतान आपकी जिंदगी में आता है, आपको फंसाता है, आपको आपको गिराना चाहता है और आप सामना कर लेते हो, तो यह मत सोचो कि आज की जीत सारी उम्र की जीत बनी रहेगी। हर रोज का युद्ध अलग होता है। इसलिए वो अगर आपके जीवन में आज आया और चला भी गया और वो आपका कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वो आगे किसी समय का इंतजार करेगा, दोबारा आने की कोशिश करेगा। इसलिए जिस पाप के साथ आप आज यत्न कर रहे हैं ना छोड़ने का, और आपने आज वो पाप नहीं किया, छोड़ भी दिया, तो भी आप एक हफ्ते के बाद दोबारा वही पाप करने का आपका मन करेगा, वही पाप दोबारा से, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, सही समय का इंतजार करता है कब हम उसके लायक हैं और वो हमें पकड़ ले। इसलिए हमें गार्ड करना है, इसलिए हमें चौकस रहना है, क्योंकि वो अगर जाता भी है तो सही समय का इंतजार करता है ताकि वो वापस हमारे पास आ सके। तीसरी बात, और ये हमने वचन में से देखा था कि अपने गुस्से पर नियंत्रण करना चाहिए और किसी को माफ करने में देरी नहीं करनी चाहिए। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार जब संत पौलुस शैतान की चलाकियों के बारे में सिखाता है तो इन दो चीजों को वो हाईलाइट करता है। पहली बात, अपने गुस्से में अगर आपने काबू नहीं पाया तो वो शैतान के लिए दरवाजा बन जाता है। दूसरा, अगर आपने किसी को लंबे समय तक माफ नहीं किया तो वो शैतान के लिए दरवाजा बन जाता है। अपनी जिंदगी में जिसने आपके खिलाफ गलत किया है, बुरा किया है, आपको लंबे समय तक उसके खिलाफ अपने जीवन में कड़वाहट और अमाफी को नहीं रखना चाहिए। और दूसरी बात, अगर गुस्सा तो आएगा, जरूर आएगा, हर मनुष्य को आएगा, बार बार आएगा, लेकिन अगर इस गुस्से को अगर हमने ठीक से मैनेज नहीं किया तो उसमें शैतान हमारे जीवन में पैर रख सकता है। कितनों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? और हमने देखा था कि हमें रेजिस्ट करना है, मतलब उसका विरोध करना है, उसका सामना करना है। पहले हमें सावधान रहना है कहीं वो नजदीक ना आ जाए, लेकिन जरूर आपके जीवन में बहुत बार वो बहुत नजदीक आ जाएगा, और जब वो बहुत आपके नजदीक आ गया तब आपको उसको रेजिस्ट करना है, मतलब विरोध करते हुए उसका सामना करना है। डरना नहीं है, भागना नहीं है, क्योंकि डर शैतान को हमारे जीवन में आने का अधिकार देता है। अगर शैतान को दिखता है कि ये डर रहा है तो वो जरूर हमारे पीछे आएगा, लेकिन अगर शैतान देखता है कि ये बंदा अपने, ये व्यक्ति, ये विश्वासी अपने विश्वास के द्वारा और प्रभु में मजबूत बना हुआ है तो हम उसका सामना कर सकते हैं। हालेलुया। हमें उसको रेजिस्ट करना है, विरोध करते हुए उसका सामना करना है। कैसे कर सकते हैं? विश्वास में मजबूत रहने के द्वारा हम उसका सामना कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम जब विश्वास करते हैं हम उस समय परमेश्वर के अधीन आ जाते हैं। हालेलुया। जब हमारे विश्वास करने के द्वारा हम जब प्रभु के अधीन आ जाते हैं तो कौन रक्षा करेगा हमारी? परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, जहां पे परमेश्वर है, अगर आप वहां पे नहीं है तो आपकी सुरक्षा परमेश्वर नहीं कर सकता। जहां पे परमेश्वर है वहां पे हम कैसे जा सकते हैं? अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर जहां पे है वहां हम पहुंच जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आपने विश्वास कर लिया, सुनो, तो आपकी जिम्मेदारी परमेश्वर उठा लेता है। इसलिए सबसे पहली चीज जो आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है शैतान का सामना करने के लिए, वो आपकी मसल पावर, आपकी मेंटल पावर, आपकी नॉलेज पावर, ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। क्या चाहिए शैतान का सामना करने के लिए? परमेश्वर पर विश्वास रखना है। हालेलुया। परमेश्वर देखता है ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मुझ पे भरोसा करता है, इसको मैं संभालूंगा। दूसरी बात, परमेश्वर के साथ चलना है और फिर उसका सामना करना है। सबमिट योर सेल्फ टू गॉड, रेजिस्ट द एनिमी एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। लिखा हुआ है तुम परमेश्वर के साथ साथ चलो, परमेश्वर के सामने समर्पित करके अपना जीवन जियो, फिर तुम शैतान का सामना करो और वो तुमसे भाग जाएगा। हम क्या करते हैं? हम प्रभु के साथ चलते तो है नहीं, हमारा जीवन तो समर्पित हुआ नहीं,
लेकिन हम शैतान का सामना करने निकल पड़ते हैं और हम हार के लौट आते हैं। इसलिए अगर आपको उसका सामना करना है, मेक श्योर दैट यू आर वॉकिंग विद गॉड, आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, आप परमेश्वर के सामने सबमिट कर चुके हैं, समर्पित अपने आप को दे चुके हैं प्रभु को, यह जरूरी है। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन और शैतान को आज्ञा देकर हम उसका सामना कर सकते हैं। जब शैतान आपके जीवन में काम करता है, वचन को याद करें, हालेलुया। जब शैतान आपके जीवन में काम करता है, वचन के द्वारा उसका सामना करें, वचन की तलवार से आप उसको अटैक करें, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में सच्चाई है, परमेश्वर के वचन में ताकत है, और फिर आप उसको आज्ञा दे सकते हैं, निकल यहां से, मेरे जीवन में तेरा कोई अधिकार नहीं है, तू मेरे जीवन से दूर हो, इस प्रकार विश्वासी लोगों को अपने मुंह से बोलना है। हम लोग डर जाते हैं बहुत बार, लोग मतलब हमें शैतान को विनती नहीं करनी, शैतान जी आप चले जाइए ना, हमें उसको आज्ञा देनी है, और उसको आज्ञा देकर हम भगा सकते हैं। और आखिरी, पाप के विरुद्ध करके, मतलब पाप का विरोध करके हम उसका सामना कर सकते हैं। इंग्लिश में बड़ा बड़े अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, वी रेजिस्ट द एनिमी बाय रेजिस्टिंग सिन। हम शैतान का विरोध कर सकते हैं जब हम पाप का विरोध करते हैं। पाप का देवता कौन है? पाप का देवता कौन है? पाप के पीछे कौन है? पाप किस रूप, शैतान किस रूप में हमारे सामने आता है? पाप के रूप में। इसलिए जब हम पाप को मना करते हैं, हम शैतान को मना करते हैं। हालेलुया। मेरे पीछे बोले, मैं जब पाप को मना करता हूं, बोलने का मन नहीं कर रहा ना आपका? जब मैं पाप को मना करता हूं, मैं शैतान को मना करता हूं। ये चीजें, क्योंकि ये शैतान इस चीज का बहुत प्रयोग करता है हमारी जिंदगी में। शैतान पाप का प्रयोग करता है हमारी लाइफ में काम करने के लिए। इसलिए शैतान कभी अपने हुलिये में नहीं आएगा, शैतान का विरोध करो, शैतान आ गया, उसका ऐसा कभी भी नहीं होगा। शैतान किस रूप में आएगा? पाप के द्वारा आएगा, हमारे जीवन से पाप करवाना चाहेगा। अगर आपको अपने जीवन में शैतान को दूर करना है, तो अपनी जिंदगी से क्या दूर करना है? पाप को दूर करना है। तीसरी बात, वी हैव टू ओवरकम द डेविल। इसके ऊपर मैं आज आपको सिखाऊंगा। मैंने आपको पहले बताया, गार्डिंग अगेंस्ट द एनिमी, मतलब आपको सावधान रहना है शैतान से। लेकिन ऐसा हो जाएगा जिंदगी में बहुत बार, जब वो आपके बहुत नजदीक आ जाएगा, आपको उसका सामना करना पड़ेगा। जब आप उसका सामना कर रहे हो और युद्ध लड़ रहे हो उसके साथ, अल्टीमेटली आपको उसके ऊपर काबू पाना है। हालेलुया। आपको उसके ऊपर विजय को हासिल करना है। मैं दोबारा से आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूं, ये मत सोचना कि ये लड़ाई केवल 2-3 साल की है, फिर तो मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं, जब तक आप इस धरती पे जिंदा हो, शैतान के साथ आपको युद्ध लड़ना है। ये 3 बातें हमने पहले हफ्ते में सीखी थी, शैतान के विरुद्ध चौकस रहना, उसका सामना करना और उस पर विजय पाना। फिर पिछले हफ्ते मैंने आपको सिखाया था कि आपको विश्वास करना है, यीशु मसीह शैतान को हरा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु ने आपको धक्का मार दिया और आप बेचारे फंस गए और आपको खुद लड़ना पड़ रहा है और आप समहाउ अपनी कोशिश से लड़ने की कोशिश कर रहे हो और आपको जीतने की बहुत बड़ी वो है, आप पूरी जिम्मेदारी आपकी, ऐसा नहीं है। परमेश्वर शैतान को क्रूस पर हरा चुका है। हालेलुया। आज हम उसका सामना कैसे कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर बहुत बड़ी ताकत है? नहीं, हम इसलिए शैतान का सामना करके उसको हरा सकते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर शैतान को क्रूस पर हरा चुका है। हालेलुया। वो वचन जब से मैंने पढ़ा है, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए जब वो वचन मेरा वन ऑफ द मेरा बाइबल में से मेरा एक फेवरेट वचन है कि जब यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी तो उसने शैतान और शैतान की सारी शक्तियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। हालेलुया। तमाशा किसका बनाया जाता है? जो हार गया, जो कुछ नहीं कर सकता, जो किसी काम का नहीं है, शैतान एक्चुअली वो है। आज ऐसा लगता है शैतान अपना काम कर रहा है, लेकिन हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इतना बुद्धिमान है और परमेश्वर की जो विजडम है, उसकी जो बुद्धि है, वो इतनी अपरंपार है कि परमेश्वर अपने कामों के लिए, परमेश्वर अपने महिमा के कामों के लिए भी शैतान का इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के पास एक योजना है, शैतान योजनाएं बनाता है ना, शैतान प्लानिंग करता कि नहीं करता?
हमारे परमेश्वर के पास भी एक प्लान है। हालेलुया। और बाइबल कहती है एक दिन आएगा जब वो शैतान को दतकती हुई आग की जो जो भट्टी है, जो झील है, उसमें शैतान को डाल देगा, जहां पे हमेशा के लिए वो तड़पेगा। अभी वो खुला छोड़ा हुआ है और परमेश्वर शैतान को भी इस्तेमाल कर रहा है अपने काम करने के लिए। हालेलुया। और जब तक हम विश्वासी लोग इस धरती पर हैं, हमें इस युद्ध को लड़ना है, परंतु ये जानते हुए हम लोगों को युद्ध लड़ना है कि शैतान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमारे मसीह के द्वारा हराया जा चुका है। हालेलुया। दूसरी बात हमने देखा था, विश्वास करें कि परमेश्वर ने हमें विजयी जीवन जीने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने शैतान को क्रूस पे हरा दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पे हरा के जीत को हासिल कर दिया। और अब वो क्या कर रहा है? हमारे विश्वास करने पर वो उस जीत को जो यीशु मसीह हमारे लिए जीत चुका है, वो हमारी जिंदगी में डाल देता है। और क्या कहता है? तुम इस जीत को लो और तुम लोग जीवन को इंजॉय करो। हालेलुया। जो जीत यीशु मसीह कहता है कि मैं जीत चुका हूं, तुम उस जीत को लो और तुम उसे अपने जीवन के हर हिस्से में लगा दो। उस जीत को अपने बच्चों पर लगा दो। तुम्हारे बच्चे बड़े होकर के बिगड़ ना जाएं, तुम्हारे बच्चे बड़े होकर परमेश्वर के सेवक और दास बन जाएं। तुम उस जीत को अपने बच्चों के जीवन में घोषणा करो। हालेलुया। तुम उस जीत को अपने पति पत्नी के संबंध पे लगाओ। तुम उस जीत को अपने धन दौलत पे लगाओ। तुम उस जीत को अपने पवित्रता, अपने दिल पर, अपने शरीर पर, अपनी आत्मा पर, तुम उस जीत को इस्तेमाल करो। प्रभु हमारे लिए हासिल कर चुका है। पर आज क्यों बहुत से विश्वासियों का जीवन कमजोर है? क्यों? क्योंकि उस जीत की अहमियत को हम नहीं समझते हैं। क्रूस पर प्रभु ने क्या हासिल कर लिया, हम उसको समझ नहीं सकते हैं। बहुत बार हम हल्के में ले लेते हैं। दुनिया में जो घटना, सबसे बड़ी घटना आज तक घटी है, वो क्रूस है। कोई पहला विश्व युद्ध या दूसरा विश्व युद्ध, या जब इंडिया आजाद हुआ था, या जब हमने वर्ल्ड कप जीता था, या जब अमेरिका की खोज हुई थी, या जब उस देश का वो राजा, उसने बहुत बड़ा काम किया था, दुनिया के सबसे बड़ी, इतिहास की सबसे बड़ी घटना क्या है? क्रूस है। हालेलुया। क्योंकि क्रूस पर परमेश्वर हमेशा के लिए अपने पुत्र के द्वारा संसार के सारे पापों की माफी का प्रावधान बना चुका है। क्रूस सबसे बड़ी बात है। क्रूस सबसे बड़ी सच्चाई है। क्रूस की घटना सबसे बड़ी घटना है जो आज तक घटी है। जब परमेश्वर, जो जिसने सब कुछ बनाया है, जब वो इंसान बनकर धरती में आया 2018 साल पहले, और उसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। इसलिए जब हम क्रूस की क्रूस क्या चीज है, हम जब उसको समझ जाएंगे, तब उस विजय को अपने जीवन में हम महसूस कर सकते हैं। यीशु परमेश्वर ने हमें भी विजयी जीवन जीने के लिए बुलाया है। तीसरी बात हमने कहा था कि अपने दिल और अपने मन और अपने विश्वास की रक्षा करो। इब्रानियों की पत्री में खास तौर पे इस बात पे बहुत जोर दिया हुआ है। वो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से किसी का मन अविश्वासी होकर पाप में पड़ जाए और प्रभु से दूर हो जाए। पौलुस कहता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम प्रभु से दूर हो जाओ। इसलिए हम मसीह के हो तो चुके हैं, लेकिन हमें अपने दिल की, अपने मन की और अपने विश्वास की रक्षा करनी है। जितनी खुशी, जितना आनंद हमें तब महसूस हुआ था, हमने जब प्रभु को जाना था, क्या आज उतनी खुशी महसूस करते हैं? बपतिस्मे के दिन जब आपका बपतिस्मा हुआ था, कितनी खुशी हुई थी आप लोगों को? क्या वही आनंद, वही खुशी आज है आपके दिल में? शैतान का तरीका क्या है? हमें ठंडा कर देता है। और बाइबल की भविष्यवाणी क्या है? अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, विश्वासियों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। यह भी लिखा है कि जब अंत के दिनों में, जब दुनिया खत्म होने वाली होगी, और हम जानते हैं कि होने वाली दुनिया खत्म होने वाली है, यह भी लिखा है कि जब अंत के दिन आएंगे, तो बहुत लोग, शैतान, इवन जो लोग चर्च के लोग हैं, उनको भरमाने की कोशिश करेगा। चुने हुए लोग भी उसकी पकड़ में आने का डर है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। अपने प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि परमेश्वर विश्वासियों को कहता है, आपको और मुझको कहता है कि तुम लोग अपने पहले प्यार को भूल चुके हो। हमारा पहला प्यार कौन है? परमेश्वर। विश्वासियों के लिए कहा गया है कि तुम अपना पहला प्यार भूल चुके हो।
प्रकाशित वाक्य में प्रभु के आने के आसपास की जब बातें लिखी हुई हैं, तो वहां पे लिखा है, देखो मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। वो किसको कहा गया है? वो विश्वासियों को कहा गया है। हम सोचते हैं कि वो वचन ना अविश्वासियों के लिए है, हम उनको सुनाते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, तो आप आस में पाएंगे कि ये वाली बात वो मसीही लोगों को कहता है, विश्वासी लोगों को कहा गया है कि अपना दिल खोलो, क्योंकि मसीही लोग मसीह को जानकर भी नहीं जानते, ऐसा वाला जीवन जीते हैं। इसीलिए शैतान को अगर आपने हराना है, तो अपने दिल, अपने मन और अपने विश्वास की रक्षा करो, कहीं वो आपके दिल में डाउट ना डाल दे, कहीं पाप के द्वारा आपको फंसा ना ले। तभी अगली बात यही है कि आप पाप के धोखे से अपने मन को कठोर ना होने दो। आपका मन कठोर कैसे होता है? किसी भी इंसान का, विश्वासी का मन कठोर कैसे होता है? क्या वो हॉरर मूवीज देख के होता है? क्या वो किसी का मतलब खून खराबा देख लिया, हॉस्पिटल में काम करने लग गए तो रोज शरीर फाड़ते हैं, वहां से मन कठोर कैसे होता है? हमारा मन कठोर, इंसान का मन कठोर कैसे होता है? जब हम पाप के धोखे में फंस जाते हैं। पाप एक धोखा है। धोखे का मतलब क्या है? हमको पता भी नहीं चला कि शैतान हमारे जीवन में अपना काम कर गया। तो हमें पाप के धोखे से बचना है और अपने मन को कठोर होने से बचाना है। क्योंकि आपने आज गलत काम किया, आपको बहुत बुरा लगा। आपने 3 दिन के बाद दोबारा से वो गलत काम किया, आपको बहुत बुरा लगा। आपने 10 दिन के बाद फिर वही काम किया, आपको बहुत बुरा लगा। फिर आपकी आदत बन गई, फिर आपको कम बुरा महसूस होने लग गया, फिर वो आपकी आदत ही बन गई, फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे होता है इंसान। मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि इंसान कैसे गिरता है, विश्वासी अपने जीवन को बर्बाद कैसे करता है, एक विश्वासी अपने जीवन के बहुमूल्य दिन नष्ट कैसे करता है। एकदम से नहीं होता, किसी भी इंसान की गिरावट धीरे धीरे होती है, क्योंकि वो पाप के धोखे में फंसता जा रहा है। धीरे धीरे इंसान गिरता है और कुछ सालों के अंदर उसका जीवन बिल्कुल ही निष्फल जीवन हो जाता है। वो मसीही है, पता ही नहीं चलता। इसलिए हमको बहुत बहुत सावधान रहने की जरूरत है। शैतान हम सबके जीवन में बहुत एक्टिव है, बहुत क्लेवरली हमारे जीवन में काम करता है। वो अपने वो स्कीम लड़ाता है। पौलुस सिखाता है, उसने कहा कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है, लेकिन हम में से कुछ लोग अनजान बन जाते हैं। यहां पर जब पौलुस सिखा रहा है, तो वो माफी के विषय में बात कर रहा है। वो कहता है कि तुम उसको माफ कर दो, अब बहुत हो गया, तुम उसको क्षमा कर दो, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। कहने का मतलब वो ये बता रहा है कि अगर हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे, तो ये उसकी युक्ति है, उसकी योजना है, शैतान की प्लानिंग है कि हम अपने दिल में किसी के खिलाफ कड़वाहट रखें और वो हमारी जिंदगी में आ जाए। लेकिन मैं आपको जो मेन बात सिखाना चाहता हूं इसमें से, वो ये है कि शैतान हमारे खिलाफ क्या बनाता है? युक्तियां बनाता है, योजनाएं बनाता है, प्लानिंग बनाता है। वो हर रोज करता है। बाइबल कहती है कि हर रोज परमेश्वर की करुणा हमारे लिए नई है। सोच के देखो, हर रोज शैतान की एक नई योजना आपके जीवन में आती है। अगर परमेश्वर हमारे लिए योजना हर रोज बनाता है, तो शैतान भी हमारे खिलाफ रोज नई योजनाओं के साथ हमारी जिंदगी में आता है। सावधान नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? गिर जाएंगे। हम में से कुछ ऐसे हैं, शैतान की योजनाओं की तो चिंता नहीं करते, और परमेश्वर की करुणा जो हर रोज नई है, लिखा है वचन में, उसकी भी परवाह, हमें फर्क नहीं पड़ता। प्रभु भला है, फर्क नहीं पड़ता। शैतान मेरे पीछे पड़ा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आप में से शायद कुछ लोग होंगे जो इस युद्ध को हर रोज महसूस नहीं करते। आपको लग रहा है, भैया तो बड़ी बातें कर रहे हैं, शैतान युद्ध कर रहा है, युद्ध कर रहा है, हमें तो लगता नहीं युद्ध कर रहा है। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुने। इसलिए आपको शायद महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी आदत सी हो गई है, आप जीना सीख गए हो, आप युद्ध कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि प्रभु की भलाई से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और ना शैतान की चालों से आपको कोई भी फर्क पड़ता है। जो कमजोर विश्वासी हैं, उनके लिए वो क्या करता है? वो चाहता है कि वो पाप करें। जो विश्वासी स्ट्रांग हैं,
वो चाहता कि वो घमंड करें, और घमंड करना अल्टीमेटली क्या है? पाप है। तो जो कमजोर है उनसे पाप करवाना चाहता है, जो स्ट्रांग है उनसे पाप करवाना चाहता है, और पाप के द्वारा हमें प्रभु से वो दूर करना चाहता है। वो आपके उद्धार को तो चोरी नहीं कर सकता, हालेलुया। शैतान आपके उद्धार को चोरी नहीं कर सकता, लेकिन आपके जीवन को बेकार बना सकता है, आपके जीवन को फ्रूटलेस, आपके जीवन में प्रभु के फल ना हो, आपके जीवन से कोई बड़ा काम ना हो, आपके जीवन से प्रभु की महिमा ना हो, आपके जीवन से परमेश्वर के राज्य की सेवा ना हो। ये वो कर सकता है अगर आप उसके सामने झुक जाएंगे। और अगर आपका जीवन फ्रूटलेस हो गया, शैतान के लिए उतना काफी है। इफ यू डोंट बेयर फ्रूट, दैट इज सफिशियंट फॉर द डेविल। अगर आपका जीवन प्रभु में आगे नहीं बढ़ रहा है, अगर आपके जीवन से प्रभु की महिमा के काम नहीं हो रहे हैं, अगर आपके जीवन से प्रभु की सेवा के काम नहीं हो रहे हैं, आप अपने जीवन पवित्र आत्मा के और सेवा के फलों को आप नहीं लेके आ रहे हैं, शैतान ने अपना काम कर दिया। वो आपसे और कुछ नहीं चाहता, आराम से शैतान अपना काम आपके जीवन में कर रहा है। इसलिए हर रोज आपको शैतान का सामना करना है, और शैतान हमारे जीवन में हमेशा रुकावट और बाधा को लेकर के आएगा। जब भी आप कोई भला काम करना चाहेंगे, जब भी आप कोई परमेश्वर की मर्जी वाला काम करना चाहेंगे, शैतान आपके जीवन में रुकावट को लेकर के आएगा। देखो पौलुस क्या कहता है, वो कहता है कि हाँ हम तुमसे मिलने के लिए बहुत जतन कर रहे थे। पौलुस अपने चर्च के लोगों को लिखता है, पौलुस किसी और शहर में है, चर्च किसी और शहर में है, और क्या कहता है, हम तुमसे मिलने का बहुत जतन कर रहे थे, मुझ पौलुस ने अनेक बार प्रयत्न किया, पर क्या लिखा हुआ है पढ़ो, किंतु शैतान ने उसमें बाधा डाली। आप कोई काम करना चाहेंगे जो अच्छा है, जो भला है, शैतान उसमें हमेशा बाधा को डालेगा। हालेलुया। वो हमें डिस्करेज करता है, हमें हताश करता है। आपको मालूम है कल हमारी चर्च में दावते दोस्ती प्रोग्राम था, उसमें बहुत से लोगों ने एक दूसरे को अपने घर पे, कितने लोग थे इस प्रोग्राम का हिस्सा, हाथ उठाएं, तकरीबन सब लोग थे कल। एक मैं बहुत खुश था कि देखो सत्संग का मैं पास्टर हूं, जब सत्संग में कुछ भी अच्छा होता है तो मुझे अच्छा लगता है, मैं खुदा की, मेरा मन आनंदित होता है, मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं। मैं कल बहुत खुश था, कनेक्ट पर फोटोज आ रही थी, मैं बार बार, मैंने कल, आपको मालूम है, मैंने कल कम से कम 30 से 40 बार वही फोटो बार बार देख रहा था मैं, क्योंकि मन बहुत खुश था। लेकिन फिर शैतान ने अपना काम किया। शाम को एक भाई मेरे घर पे आया और उसने बोला, मैंने उससे पूछा कि आप किसके, आपको तो आज किसी घर जाना था, और उस भाई ने बोला कि जिसके घर हमको जाना था उन्होंने हमको फ़ोन ही नहीं किया, हमने 3 बार उनको फ़ोन किया लेकिन उन्होंने हमको कॉल बैक नहीं किया, और 2 परिवारों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, 2 परिवारों के बीच में एक मतभेद आ गया। शायद वो लोग हमको बुलाना नहीं चाहते थे, हमको इग्नोर कर रहे थे। उसी वक्त शैतान ने मेरी खुशी को खत्म कर दिया, डिस्करेज किया, मुझे हताश किया। शैतान ऐसे ही करता है। जब आप कोई, जैसे हमने पढ़ा, जब आप कुछ करना चाहेंगे, बहुत जतन कर रहे होंगे प्रभु का काम करने के लिए, तो क्या होगा, शैतान उसमें बाधा डालेगा। कितनों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, शैतान उसमें बाधा डाले। और अगर आपने वो काम कर दिया, वहां पर भी वो आपको कहीं ना कहीं पे डिस्करेज जरूर करेगा। मन खराब होने वाली बातें मसीही जीवन का रोज रोज का हिस्सा हैं। हर रोज आपके जीवन में ऐसी बातें होंगी, आपका मन खराब हो जाएगा, क्योंकि शैतान बहुत एक्टिव है। इसीलिए हमें लड़ना है रोज। हालेलुया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूं आपके जीवन के, उससे शैतान बहुत चतुराई के साथ हमारे जीवन में काम करता है। इसलिए हमें किस प्रकार हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, फटाफट मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। पहली बात कि हमें यीशु के लहू पर विश्वास करना है। हालेलुया। ये वचन देखिए, प्रकाशित वाक्य, सॉरी, हाँ, प्रकाशित वचन 12:11, सामने पढ़े सब लोग, क्या लिखा है, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सहली। ये 3 चीजें हैं जिसके द्वारा हम शैतान पर जयवंत हो सकते हैं। पहली बात क्या है, मेमने के लहू के कारण। सारे बोलो,
अच्छा, हमने शैतान पर जयवंत होना है कि नहीं होना? यस और नो? हाँ जी, हाँ जी या ना जी? तो हम कैसे जयवंत हो सकते हैं? पहली बात, मेमने के लहू के कारण। मैंने आपसे क्या बोला? विश्वास करें, यीशु मसीह शैतान को ऑलरेडी हरा चुके हैं। हालेलुया। इसलिए पहली बात जो हमें करना है, वी नीड टू बिलीव इन द ब्लड ऑफ द लैम्प। हमें अपनी मेंटल ताकत पर, हमने 15 बार बाइबल पढ़ी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं अन्य भाषा बोलना चाहता हूं, मैं कुछ भी, हम अपनी किसी भी वरदान से भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा आधार क्या है? हमारा आधार है यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। आजकल की जो है ना, ये मॉडर्न क्रिश्चियनिटी, जो मैंने नोट किया है, शायद आप मुझ लोगों मुझसे अग्री नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन आजकल की मॉडर्न क्रिश्चियनिटी कैसी होगी मालूम है? आजकल लोग चर्च में खून, लहू शब्द बोलना नहीं चाहते। सही बता रहा हूं? लोग बोलते हैं चर्च में ना आप शांति की बात करो, लहू की बात, खून की बात, खून खराबे की बात क्यों करते हो? लेकिन बाइबल बताती है बिना लहू के बहाए पापों की माफी नहीं है। लहू जरूरी है, लहू बहाना अनिवार्य है, और वो लहू हमारे लिए किसने बहाया? परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, और उस पुत्र ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया। हम शैतान का सामना कर सकते हैं क्योंकि यीशु ने अपना लहू हमारे लिए बहाया है। यीशु के लहू पे विश्वास करना है। पहले के जमाने में कितने लोगों ने टीपू सुल्तान देखा है टीवी में, या पुराने जमाने की जो लड़ाई होती थी, लड़ते थे लोग? कितने लोगों ने कभी किला देखा है? किला, किले के पीछे क्या होता था? लोग लड़ते थे, सिपाही लोग, और किले के उस पार कौन है? शत्रु है ना, जो युद्ध करने के लिए आ रहा है। तो किले के जो पीछे हैं वो सुरक्षित हैं कि नहीं है? उसी प्रकार यीशु का लहू हमारे लिए किला है। हालेलुया। अगर हम लहू के इस पार हैं, हम सुरक्षित हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। किस चीज के दम पे आप जिंदगी लड़ोगे? किस चीज के दम पे लड़ोगे? क्या आपका पैसा? क्या आपकी धन दौलत? क्या आपका, आपकी ताकत? क्या आपका नाम? क्या आपकी शोहरत? क्या आपके कनेक्शन? कितना जोड़ रखा है? हाँ, चिंता की जरूरत नहीं है, गांव में एक गांव, एक घर बना हुआ है, चलो कम से कम एक रहने के लिए तो जगह है। किस किस चीज के दम पे आप जीवन लड़ोगे? कोई भी संसारिक चीज आपके काम नहीं आएगी। ये जीवन कठिन है, मसीही जीवन किस चीज के सहारे लड़ोगे? यीशु के लहू के वसीले से जीत हमारी है। हालेलुया। इसलिए जब मैं नया नया विश्वासी था, हमारे कैथोलिक चर्च में इस तरह प्रार्थना नहीं होती थी। जब मैं विश्वास में आया, मैंने सुना कि, मतलब मैंने देखा कि ये विश्वासी लोग हैं ना, ये यीशु का लहू बहुत बोलते हैं अपनी प्रार्थनाओं में। मैं यीशु का, आपने कितने लोगों को सुना है, आप भी करते होंगे, मैं यीशु का लहू लगाता हूं, कभी सुना है आप लोगों ने ना? हम करते नहीं प्रार्थना ऐसे, हम इस पर यीशु मसीह का लहू लगाते हैं। मुझे पहले पहले समझ में नहीं आई यीशु के लहू लगाने क्या मतलब, यीशु तो अब स्वर्ग में है, क्या मतलब यीशु का लहू लगाना? लेकिन यीशु के लहू में ताकत है। हालेलुया। आज भी अगर आप अपने जीवन का युद्ध लड़ सकते हैं, अपने ज्ञान पर, अपने कनेक्शन पर, अपने नाम पर, क्या है तुम्हारे पास, उन चीजों के दम पे मसीही युद्ध नहीं लड़ा जाता। मसीही युद्ध लड़ा जाता है यीशु के लहू की ताकत से। यीशु के लहू में ऐसा है क्या? देखो, यीशु का लहू पाक है, पवित्र है। यीशु का लहू परमेश्वर का अपना लहू हम कह सकते हैं। आज मैं एक भाई से बात कर रहा था कि उस भाई ने अपने बारे में कुछ बताया कि वो पाप करता है। मैंने बोला देख, यीशु मसीह भी यही पाप करने के लिए परखा गया था, लेकिन यीशु ने पाप नहीं किया, इसीलिए उसका खून शुद्ध है, उसने कभी कोई पाप नहीं किया गया। आप कहेंगे वो तो प्रभु कैसे पाप कर सकता है? सुनो, बाइबल बताती है वो पूरे रूप से मनुष्य के रूप में, इस वो परमेश्वर तो था ही, लेकिन मनुष्य के रूप में इस धरती में था, पाप कर सकता था, लेकिन उसने पाप नहीं किया, इसीलिए उसके लहू में वो ताकत थी जो लहू पूरी दुनिया के लिए बहाया जा सके। हालेलुया। अगर वचन के अनुसार अगर आपको शैतान पर जयवंत होना है तो मेरे साथ पढ़ें, क्या चाहिए? और वे मेमने के लहू के कारण। कौन है मेमना? यीशु मसीह। मेमने के
लहू के कारण, आपको यीशु के लहू पर विश्वास करना है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपके जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, उस समस्या पर यीशु का लहू को लगा दो। हालेलुया, क्योंकि यीशु के लहू से शैतान डरता है, यीशु के लहू के सामने शैतान टिक नहीं सकता। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु का लहू में ताकत है, यीशु के लहू में पावर है। आप कल अपने ऑफिस जाओगे, आप परसों अपने दफ्तर में जाओगे, हो सकता है इस हफ्ते आपकी किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई समस्या आपके जीवन में आ जाए, हो सकता है आपके किसी परिजन का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या करना है, उस समस्या पर यीशु के लहू को लगा देना है। क्यों? यीशु के लहू में ताकत है। इसलिए आपको अगर शैतान का सामना करना है, यीशु के लहू को समझो। यीशु का लहू क्या है? यीशु का लहू पवित्र है, यीशु का लहू शक्तिशाली है, यीशु का लहू हमारे लिए मजबूत आसरा है। पहली चीज जो आपको चाहिए शैतान पर हासिल करने के लिए, यीशु का लहू आपको चाहिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सब लोग ध्यान से मेरी बात को सुने, हम खत्म करने वाले हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में बहुत बार सुन लिया है। शायद आप लोग पिछले 2 साल से यीशु मसीह के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि आप में से कितने हैं जिन्होंने अब तक यीशु मसीह को अपना दिल दिया नहीं है। यीशु मसीह को आपने अब तक ग्रहण नहीं किया है, अब तक आपने सरेंडर नहीं किया। सुनते आ रहे हो, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन परमेश्वर आपका वचन आपको इसलिए नहीं सुनाता कि आपको अच्छा लगे। परमेश्वर अपना वचन आपको इसलिए सुनाता है ताकि आप उस पर विश्वास करें, भरोसा करें, समर्पण करें, त्याग करें, उसी को अपना जीवन दे दें। क्या यह आपने किया है? परमेश्वर को आपकी एप्रिसिएशन नहीं चाहिए। अच्छा है वचन, अच्छा है यीशु मसीह, तुम्हारे लिए क्या है? क्या यीशु आपके लिए बाबा है? क्या यीशु आपके लिए एक छोटा मोटा भगवान है? क्या आप उसे परमेश्वर का मेमना समझते हो? Do you consider him the Lamb of God who takes away the sins of the world? क्या आप उसे परमेश्वर का मेमना समझते हो जो संसार के पापों को उठा लेता है? क्या आपने यीशु के लहू पर विश्वास किया है? ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। दूसरी बात जो आपको करना है, एनीवे, यहां पे लिखा हुआ वी नीड टू बिलीव इन द ब्लड ऑफ द लैम्ब। हमें यीशु के लहू पर विश्वास करना है, और बाइबल बताती है जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। दूसरी बात जो, दूसरा काम जो हमें करना है, वी नीड टू कन्फेस द राइट थिंग। हमें सही बात पर विश्वास करना है और हमें सही बात को सही तरीके से अंगीकार करना है, सही तरीके से बोलना है। हमें उद्धार कैसे मिलता है? बाइबल क्या बताती है? यदि तू अपने मुंह से कहे, यहां पे हमने अभी क्या कहा, पढ़ो सारे, सब जोर से पढ़े शुरू से, 1 2 3। हमें सही बात को सही तरीके से अंगीकार करना है, हमें मुंह से बोलना है, हमें घोषणा करनी है। वचन क्या कहता है? यदि तू अपने मुंह से कहे यीशु मसीह प्रभु है, और तू अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिंदा किया, तो तेरा उद्धार हो जाएगा। तू मर के स्वर्ग जाएगा, तेरे पाप तेरे साथ नहीं बंधे रहेंगे, तेरे श्राप तुझ पर काबू नहीं करेंगे। पढ़ो, पढ़े सारे। क्योंकि अपने हृदय के विश्वास से व्यक्ति धर्मी ठहराया जाता है, और अपने मुंह से उसके विश्वास को स्वीकार करने से उसका उद्धार होता है। आपने समझ लिया मुंह की ताकत क्या है? कितने लोगों को समझ में आ गया मुंह की ताकत क्या है? जब आप अपने मुंह से बोल देते हो, परमेश्वर आपको ग्रहण कर लेता है। हालेलुया। आपको मुंह से क्या बोलना है? प्रभु यीशु मसीह तू ही सब कुछ है, तू ही उद्धार करता है। मैं घोषणा करता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और तू मनुष्य बन के धरती पे आया, और तू मेरे पापों के लिए मारा गया, और तू 3rd दिन मुर्दों में से जीवित हो गया। हालेलुया। इस हफ्ते एक टैक्सी वाले भाई से सुसमाचार बताने का मौका मिला, और उस भाई को मैंने बताया प्रभु के बारे में, और उस भाई के साथ कब्रों की बात चली, और मैंने उसको यीशु मसीह के बारे में बोला कि यीशु मसीह जीवित प्रभु है, और वो मर गया था हमारे लिए, और उसकी कब्र आज खाली है। जब मैंने उसको ये बोला कि उसकी कि हमारे प्रभु की कब्र खाली है, तो उसने मुझसे बोला, मैं कैसे उस वो कब्र कहाँ पर है, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? मैंने बोला, देख भाई, वो कब्र है
इसराइल देश में वो कब्र है, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन आप अगर उस कब्र में जो आदमी था, उस कब्र में जो यीशु मसीह था, अगर आप उस पर विश्वास करेंगे, वो खुद आपसे मिलने आ जाएगा। हालेलुया, क्योंकि वो जीवित है। जब यीशु मसीह कब्र से बाहर निकला, क्या किया यीशु ने? 500 लोगों को दर्शन दिया। हालेलुया, अगर आप विश्वास करेंगे वो आपको भी दर्शन दे सकता है। हालेलुया, आपको अपने मुंह से सही बात को कहना है। वी नीड टू कन्फेस द राइट थिंग इन द राइट मैनर। विश्वास करें, यीशु मसीह ही हमारा आधार है, यीशु मसीह ही हमारी रक्षा है, सुरक्षा है। उसके लहू पर विश्वास करें और अपने मुंह से बोलें कि हां प्रभु, मैं मानता हूं कि तू प्रभु है। हालेलुया, मैं मानता हूं कि तू क्रूस पर मेरे लिए मारा गया, मैं मानता हूं कि तू आज जिंदा है। अपने मुंह से जब आप सही बात को बोलते हैं, हमने वचन में क्या देखा था, रोमियो 12 के 11 में पढ़ो सारे, और वे मेमने के लहू के कारण, ये तो पहली बात है ना, दूसरी बात क्या है, और अपनी गवाही के वचन के कारण आप क्या बोलते हैं। हालेलुया, इसीलिए मैंने आपसे कहा दूसरी बात जो हमने सीखी वो यही है, हमें सही बात को सही तरीके से अंगीकार करना है। और तीसरी बात, हमें सही बात को सही, हमें बिना समझौता किए अंत तक सही काम भी करना है। याकूब बताता है, अपनी पत्री में लिखता है कि बिना कर्मों के विश्वास क्या है, मरा हुआ है। देखो प्रॉब्लम क्या है, हम सही बात पर विश्वास तो करते हैं, हम सही बात को अंगीकार भी करते हैं, पर हम हमारी जिंदगी में सही काम नहीं करते। कितनों को समझ में आ रहा है, कुछ कुछ खुला आपके दिमाग में? हम सही बात को विश्वास तो करते हैं, हम सही बात को अंगीकार भी करते हैं, बोलते भी हैं, पर हम सही काम को करते नहीं हैं। जब आपका डूइंग, जब आपका करना और आपका विश्वास जब मेल नहीं खाता, शैतान के लिए दरवाजा खुल जाता है। इनफैक्ट वचन क्या कहता है, जो हमने आज का वचन है, मेन वचन प्रकाशित वाक्य 12 के 11 में क्या लिखा है, और शुरू से पढ़े, सब लोग पढ़े, और उन्होंने ओके, सब लोग आराम से पढ़ेंगे और जोर से पढ़ेंगे, 1 2 3 पढ़ें, और वे मेमने के लहू के कारण, अपनी एक उंगली उठा लो, ये पहली चीज है ना। दूसरी चीज क्या है, और अपनी गवाही के वचन के कारण, सेकंड उंगली उठा लो, उस पर जयवंत हुए, और तीसरी चीज क्या है, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सहली। इसका मतलब क्या है कि हमें मर जाना है। अगर हमें शैतान को अपनी जिंदगी में हराना है तो हमें क्या मरना पड़ेगा? क्या मतलब है इसका कि हमें मृत्यु भी सहनी पड़ेगी? क्या मतलब है इसका? साधु सुंदर सिंह ने कहा, जो पहले सरदार थे, बाद में यीशु मसीह को जान लिया, क्या कहा साधु सुंदर सिंह ने? उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के लिए मरना बहुत आसान है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम प्रभु के लिए जीना चाहते हैं तो हमें हर रोज मरना पड़ता है। मरना बहुत आसान है, जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हमें प्रभु के लिए जीना है, हर रोज हमें अपने प्राणों का त्याग करना है, अपनी मर्जी का त्याग करना है, प्रभु की प्रार्थना करनी है। प्रभु ने सिखाया, हे प्रभु तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी। इंसान क्या कहता, इट्स माय लाइफ, मेरा जीवन है, और इंसान अपने जीवन में अपनी मर्जी करना चाहता है। प्रभु ने कहा तुम इस प्रकार प्रार्थना करो, प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी हो जाए। इसका मतलब यहां पे प्राणों का त्याग और मर जाने का मतलब है, चाहे जान भी देनी पड़े मैं सही काम को करूंगा, चाहे जान देनी पड़े लेकिन मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा। मेरे भाइयों बहनों, हमारे कलीसिया में, पूरे संसार में यही समस्या है कि जो हम अपने मुंह से कहते हैं और जो हम अपने हाथों से करते हैं वो मेल नहीं खाता। जब हमारे मुंह के शब्द और हमारे हाथों के कर्म जब मेल नहीं खाते, प्रभु की शक्ति हमारी जिंदगी में काम नहीं कर सकती है। इसीलिए हमारी गवाही कमजोर है, इसीलिए प्रभु की शक्ति को हम महसूस नहीं करते, क्योंकि हम सब बहुत कुछ बोलने वाले लोग हैं। हम ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ, बहुत सी सही बातों पर हम विश्वास करते हैं। वी बिलीव इन द राइट थिंग, वी कन्फेस द राइट थिंग, बट वी डोंट डू द राइट थिंग।
हम सही काम पर विश्वास तो करते हैं, सही काम को हमें बोलना भी आता है, मुझ जैसों को सही काम का प्रचार भी करना आ गया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हैं, लेकिन जब हमारे जिंदगी में सही काम नहीं होगा और जब हमारे अपनी जिंदगी में हम समझौता कर लेते हैं, चलेगा कोई बात नहीं, कर लेते हैं अगली बार ठीक कर लेंगे, कोई बात नहीं, तो शैतान अपनी जिंदगी में जरूर काम करेगा। और फिर आप एक साल में बाइबल पढ़ लेते हो, इस पर घमंड मत करना। चर्च तो मैं रोज जाता हूं, कोई प्रार्थना मिस नहीं करता, उपवास भी रख लेता हूं, फिर शैतान क्यों जिंदगी में काम कर रहा है? क्योंकि दोस्त तू आज्ञाकारी नहीं है, इसलिए हमारी आज्ञा मानना बहुत बहुत अनिवार्य है, अपने जीवन से भी बढ़कर प्रभु की आज्ञा को मानना। मुझे नहीं मालूम कि आप अपनी जिंदगी में किस चीज को सबसे बढ़कर प्यार करते हो, परमेश्वर इस समय आप लोगों से बात करने वाला है, ध्यान से सुने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि मेरे पास कोई भी आता है, सब मेरे साथ पढ़ सकते हैं, जोर से पढ़ें, यदि मेरे पास कोई भी आता है और अपने पिता, सब जोर से बोल दें प्लीज, और अपने पिता माता पत्नी और बच्चों, अपने भाइयों और बहनों और यहां तक कि अपने जीवन तक से मुझसे अधिक प्रेम रखता है, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। प्रभु यीशु का शिष्य होने का मतलब क्या है? अपने जीवन में सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को प्यार करना। जो अपने पिता माता पत्नी और बच्चों को, अपने भाई बहनों को और अपने जीवन को मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। प्रभु ने ये मेरे अपने जीवन तक से प्रेम करना, ये प्रभु ने अंत में क्यों कहा? क्योंकि शायद प्रभु को पता है हम में से बहुतों को इन लोगों से नफरत करना फिर भी आसान है। हम अपने भाई बहन माता पिता से नफरत फिर भी कर सकते हैं, अपने जीवन से नफरत नहीं कर सकते। प्रभु ने इसीलिए कहा कि अगर तुम अपने अपने पिता को, अपनी माता को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को अगर मुझसे ज्यादा प्रेम करते हो तो मेरे लायक नहीं हो। अब आप बताइए, आपके जीवन में सबसे पहले कौन है? हो सकता है आपके जीवन में पहला स्थान आपकी अपनी आशाएं, आपके अपने सपने, आपकी अपनी योजनाएं, जो आप करना चाहते हो, हो सकता है ये आपके जीवन में सबसे पहली आती हैं। पर क्या प्रभु की आज्ञा, क्या प्रभु स्वयं आपकी जिंदगी में पहले स्थान पर है? क्या उसकी आज्ञा को पूरा करना आपके जीवन का लक्ष्य है? मैं आपको एक चीज समझा के बस मैं समाप्त करूंगा। देखिए बाइबल याकूब की पत्री उसका 2:19 यदि कोई खोल देगा, और अगर आप कौन खोल रहा है, याकूब 2:19, तब तक मुझे बताएं, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात आपसे करने वाला हूं। कितने लोग हैं जो यीशु पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं कि देयर इज अ गॉड, प्रभु है? कितने लोग विश्वास करते हैं? वी ऑल बिलीव। अभी अपना हाथ ऊपर रखें और इस वचन को सुनना ध्यान से जो हम पढ़ने जा रहे हैं। किसको मिल गया, जोर से पढ़ दो। ओके, वचन कहता है तुम्हारा विश्वास है कि प्रभु एक ही है। अब मुझे बताओ कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु पर? हम सब विश्वास करते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है वचन? हाँ, तुम ठीक करते हो कि प्रभु पे विश्वास करते हो, ठीक करते हो। पर अभी सुनो ध्यान से, कौन विश्वास करता है? दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है, और वो थरथराती भी है। हम तो ऐसे हैं, विश्वास करते हैं पर प्रभु से डरते नहीं है। दुष्ट आत्मा प्रभु पर विश्वास करती है और थरथराती भी है। इसलिए अगर आप केवल विश्वास करते हो पर आज्ञा नहीं मानते हो तो दुष्ट आत्मा से बदतर हो, क्योंकि दुष्ट आत्मा विश्वास करने के साथ साथ कम से कम प्रभु से कांपती है, डरती है। इसलिए सच्चा विश्वासी कौन है? जो विश्वास भी करे, अंगीकार भी करे और तीसरा आज्ञा को भी माने। इसलिए आप केवल विश्वास 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 करते रहते हो ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन को तोलो, अपने जीवन को जांचो, अपने जीवन को परखो। क्या तुम्हारा जीवन आज्ञाकारिता का जीवन है? क्या तुम अपने जीवन से बढ़कर प्रभु की आज्ञा को, आज्ञा से प्रेम करते हो, चाहे नुकसान उठाना पड़े?
हम शैतान को हराने की बातें कर रहे हैं और ये चीजें हमें चाहिए। देखो प्रभु ने क्या कहा, जिसे अपना जीवन प्रिय है। किसके शब्द हैं ये किसने कहा, किसने कहा? ये यीशु मसीह के शब्द हैं। पढ़े सारे, क्या कहा यीशु ने, बोले जिसे अपना जीवन प्रिय है वह उसे खो देगा, किंतु जिसे इस संसार में अपने जीवन से प्रेम नहीं है उसे अनंत जीवन के लिए रखेगा। अपने जीवन से प्रेम करने का मतलब यही है, दुनियादारी में पड़े रहना, दुनिया के चलाए चलना, जिस तरफ भीड़ जा रही है उस तरफ मैं भी जाऊंगा। पास्टर रामबली की एक बात मैं कभी नहीं भूलता कि यीशु मसीह को भीड़ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? भीड़ चाहिए। क्योंकि भीड़ वहां जाती है जहां संसार जाता है, भेड़ वहां जाती है जहां प्रभु जाता है, इसीलिए उसे चरवाहा कहा गया है। और प्रभु ने यह भी कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है और मेरा अनुसरण करती है। अगर आपको शैतान से युद्ध करके अगर आपको जीतना है, 40 दिन की उपवास प्रार्थना सफिशिएंट नहीं है। 40 दिन की उपवास प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। अगर 40 दिन और सारी उम्र अगर आपका जीवन आज्ञाकारिता का जीवन नहीं है, हम खत्म कर रहे हैं। शॉर्ट में मैंने लिखा है, अगर आपको शैतान का सामना करना है तो क्या करना है, पढ़ें, सही बात पर विश्वास करो, सही बात को अंगीकार करो, सही काम को करो। ये तीनों चीजें जब आपके जीवन में होंगी शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा, यीशु मसीह शैतान को क्रूस पर हरा चुके हैं 2018 साल पहले, 2018 ईयर्स अगो। परमेश्वर जो इस सृष्टि का बनाने वाला है वो इस धरती पर मनुष्य बन के आया। हालेलुया। 2018 ईयर्स अगो गॉड बिकेम मैन, परमेश्वर मनुष्य बना और उसने सिद्ध जीवन जिया। हर तरह से पाप के लिए वो परखा गया, लेकिन वो पाप में एक बार भी नहीं गिरा और इसलिए वो उस लायक बन गया कि वो हमारे लिए अपनी जान दे सके। और इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर हमारी खातिर मर गया। पूरी दुनिया के सारे धर्मों के लोगों का, मानव जाति की बात कर रहे हैं, यीशु मसीह ईसाइयों के लिए नहीं आया, क्योंकि जब यीशु मसीह दुनिया में आया था तब कोई ईसाई दुनिया में थे ही नहीं, तो वो ईसाइयों के लिए कैसे आ सकता है? वो ईसाइयों के लिए, मसीहियों के लिए नहीं आया, वो मनुष्यों के लिए आया, वो मानव जाति के लिए आया। ही केम फॉर द होल वर्ल्ड। और इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस पे पूरी दुनिया के पापों को उठा लिया अपने ऊपर। प्रभु आपसे पूछता है, क्या प्रभु को आपने ग्रहण कर लिया है? क्या स्वीकार आपने कर लिया है? अगर आपने कर लिया है, रोज रोज प्रभु के साथ चलो, हर रोज अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे हलो, हर रोज आप सामना करो शैतान का और आप उस पर विजय पाओगे। हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को शांति दे।